अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आप सबको इस रमज़ान के पाक और मुबारक महीने की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जो ये जो वबा आई है कोरोना, इससे पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। हमारे मुल्क में रहने वाले तमाम लोग भी इससे परेशान हैं। मेरे दोस्तों, रमज़ान के इस महीने के अंदर हमको जो तरावी पढ़नी है, जो हमको नमाज़ें पढ़नी है, हमको सहरी और अफ्तार जो करना है, वो हमको हमारे घरों पर ही करना है। हमें जो लॉकडाउन जो पूरे देश के अंदर लगा हुआ है, उसको पूरी तरीके से उसकी पालना करनी है मेरे दोस्तों। और इस रमज़ान के महीने के अंदर अल्लाह का वादा है कि इस रमज़ान के महीने में दुआएं कबूल होती है। हमें दुआएं करनी है मेरे दोस्तों कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के मुबारक महीने की बरकतों से इस देश में रहने वाले तमाम लोगों की, पूरे दुनिया के लोगों की इस वबा से, इस बीमारी से, इस कोरोना से सबकी हिफाजत हो और जल्दी से इस कोरोना से हम सबको छुटकारा मिले, ज़िंदगी पहले की तरह रफ्तार पकड़े। तो मेरे दोस्तों, हम सबको अपने घरों पर ही इबादत करनी है और इस रमज़ान के मुबारक महीने पर घरों पर ही रहना है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप लोग ख्याल रखिए अपने पड़ोस में अगर कोई गरीब है, कोई कमज़ोर है, आप जितनी उनकी मदद कर सकते हैं आप लोग करिए मेरे दोस्तों, क्योंकि जो है ये बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत नेक काम है कि आपके पास में कोई गरीब, कोई परेशान, कोई मजबूर है, तो उसकी आप लोग ज़रूर मदद करेंगे। मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। आप सब से फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि आप लोग तमाम इबादतें इस रमज़ान के मुबारक महीने के अपने घरों पर रह कर करेंगे, आप दुआएं करेंगे पूरी दुनिया के लोगों के लिए, हमारे देश में जो लोग रहते हैं उनके लिए, और अपने घरों पर रहेंगे। आप अपने घरों पर रहिए, महफूज रहिए, हिफाजत से रहिए, दुआएँ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से, इस परेशानी से, इस बीमारी से हम सब की हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको फिर एक बार रमज़ान के इस मुबारक और पाक महीने की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत। अल्लाह हाफिज़।